भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक पंडित और छोटी कन्या की कहानी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है, भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक बड़े ही विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता ज्योतिषी ब्राह्मण जी रहते थे। उस ब्राह्मण की अनोखी ज्योतिषी बहुत दूर दूर तक मशहूर थी और दूर दूर से लोग अपना भविष्य दिखाने के लिए उनके पास आते थे। वे जो ब्राह्मण थे वह बड़े ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य थे। वे दूर से ही लोगों के माथे की रेखाओं को पढ़ करके उनका भाग्य बता देते थे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। वह ब्राह्मण ज्योतिषी जो थे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखता था। फिर एक दिन उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर में एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे और उसका नामकरण कर दिया और उसका नाम प्रेमचंद रख दिया। दोस्तों, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होता गया और उसकी जब 7 साल की आयु हो गई तो एक दिन प्रेमचंद ने देखा कि उसके पिता के सामने औरत और आदमी बहुत से लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, जिसमें उसके पिता बारी बारी से सभी का भाग्य देख रहे हैं और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से उसके पिता बता रहे हैं। दोस्तों, जब प्रेमचंद ने यह सब देखा तो उसे अपना भी भाग्य दिखाने की जागरूकता उसके मन में पैदा हो गई और इसी उत्सुकता के कारण वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है, हे पिताश्री, आप सभी लोगों का भाग्य देखते हैं और सबके भाग्य में क्या लिखा है यह भी उनको बताते हैं, परंतु आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। फिर ज्योतिषी ब्राह्मण अपने बेटे प्रेमचंद की बात को सुन करके ब्राह्मण जी कहने लगे, हे पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी अवस्था थोड़ी और हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुमको सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है और तुम आगे क्या हासिल कर सकते हो। जब वह बात प्रेमचंद अपने पिता के ऐसे वचन को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है। दोस्तों, फिर एक दिन वह ब्राह्मण अपने ही विचारों में खोया हुआ बैठा था। तभी क्या होता है कि वह जो बालक प्रेमचंद था, वह ब्राह्मण का पुत्र खेलते खेलते उसके पास पहुंच गया और अपने पिता से अपना भाग्य देखने की जिद करने लगा। ब्राह्मण जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, मेरे सामने आकर के तुम बैठ जाओ। दोस्तों, फिर प्रेमचंद अपने ब्राह्मण पिता के सामने आकर के दोनों पैरों की टहनी तोड़कर दोनों हाथ फैलाकर बैठ जाता है। फिर ब्राह्मण जी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर और आंख को बंद करके अपने पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने अपने ग्रंथ को खोला और अपने पुत्र के मस्तक को देखा। जब उसने गणना की तो उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल और नीच जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगा कि यह क्या होगा, मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह यदि नीच कुल में मछुआ से हुआ, यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। फिर वह कहता है, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता। फिर जब उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसको पता चला कि गंगा के किनारे 30 कोश दूर पर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 लड़कियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वीं कन्या है उसकी आयु मात्र अभी 9 माह की है और उसका नाम उस मछुआरे ने मायावती रखा है, जो मेरे बेटे का विवाह उसी लड़की से होगा। तब उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ और जब मैंने अपने पुत्र के भाग को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ।
दोस्तों, फिर ब्राह्मण अपने मन में विचार करता है, मैं आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा। उसके बाद वह ज्योतिषी ब्राह्मण विधाता के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उसी मछुआरे के पास पहुँच जाता है जहाँ उसका घर था। फिर दोस्तों, उस मछुआ ने जब देखा कि अयोध्या के एक महान ज्योतिषी ब्राह्मण उसके दरवाजे पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी ब्राह्मण को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले गया और कहा, मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। फिर ज्योतिषी ब्राह्मण ने मछुआरे की बात सुनी और कहने लगा, हे मछुआरे, में किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या 9 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या का जन्म हुआ है। तब उस मछुआरे ने कहा कि हाँ ब्राह्मण देव, आज से 9 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है, जो हमने उसका नाम मायावती रखी है। तो आपको कैसे पता है कि मेरे घर में 9 महीने पहले कन्या का जन्म हुआ है? तब मछुआरे की बात को सुन करके वह ब्राह्मण कहने लगा, देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे घर में बड़ा घोर संकट आने वाला है, जो यह तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री मायावती है। जब तक तुम्हारे घर में यह रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर घर में तुम पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। तभी मछुआरे की पत्नी उस कन्या को गोद में लेकर पहुंचती है, जिससे उसकी पत्नी भी बातों को सुनने लगती है। ज्योतिषी ब्राह्मण की ऐसी बात को सुन करके वह मछुआरा कहने लगा, महाराज, अभी तो यह नवजात बालिका है, इसकी आयु भी अभी 9 माह की है, मैं इसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि देख मछुआरे, इसमें मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ, मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझको दे दो, मैं इसका पालन पोषण तुमसे भी अधिक अच्छी तरह से करूँगा, और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा कोई घर ढूंढ करके, इसके लायक वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। दोस्तों, फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी पत्नी से बात करके उस नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी ब्राह्मण को दे देता है। ऐसा जब होता है तो वह ब्राह्मण मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है और उस छोटी की कन्या को लेकर के वह वहां से चल देता है, जिससे चलते चलते ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगता है कि अगर मैं इस कन्या का गला दबा करके यदि मैं इसे मार देता हूँ, तो मासूम बच्ची को मारने का मुझे पाप लगेगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बुढ़िया के घर के पास पहुँचता है और कहता, हे माता, आपके पास कोई छोटा सा बक्सा है तो मुझे दे दो। दोस्तों, फिर वह औरत उस ब्राह्मण को देख करके उसे एक छोटा सा बक्सा लाकर दे देती है। फिर उस बक्से में उस नवजात कन्या को वह रख करके उसे माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है और सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ देर के बाद जल में डूब जाएगा, इस तरह से मेरा पीछा भी छूट जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, परंतु दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में अभी जीना लिखा था। इसी कारण से वह बक्सा गंगा के जल में नहीं डूबता है और माँ गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का एक पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ जाती है, जिससे पंडित जब उस बक्से को देखता है तो वह उठा करके उस बक्से को खोल करके देखता है, जिससे बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई थी और अपने पैरों के अंगूठे को वह कन्या लेटे लेटे पी रही थी। वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान की प्राप्ति के लिए वह प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देख करके वह सोचने लगा कि माँ गंगा ने आज उसकी सुन ली और यह कन्या मेरी संतान बनने के लिए माँ गंगा ने भेजा है, माँ गंगा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से उस पंडित ने उस कन्या को लेकर के अपने घर के लिए चल देता है
फिर जब वह पंडित अपने घर पहुंचता है और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आप किसकी पुत्री को लेकर के आए, यह बड़ी ही सुंदर और रूपवान पुत्री है। दोस्तों, फिर पंडित जी कहने लगे, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इतने वर्षों से मैं संतान के लिए माँ गंगा से प्रार्थना कर रहा था और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में माँ गंगा ने हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है, हम इसका बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और अच्छे अच्छे इसको संस्कार देंगे, इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस तरह से वह पंडित और पंडित की पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ वह कन्या बढ़ती गई। जैसे जैसे वह लड़की बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता बढ़ती गई। वह इतनी सुंदर हो गई कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं फिकी पड़ने लगी थी। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया थोड़ी बड़ी होने लगी है, अब इसके विवाह की उम्र हो चली है, इसलिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके अपनी बेटी की शादी कर देना चाहिए। फिर दोस्तों, पत्नी की बात को सुन करके वे पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। जब आसपास कोई योग्य वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते वह अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। जब वहां के लोगों से मिलते हैं तो पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो, तो वहां के लोग उस ब्राह्मण को उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के बारे में बताते हैं कि वह बड़ा ही संस्कारी परिवार है और उन्हीं के पास एक इकलौता पुत्र है जो बड़ा ही सुंदर है और उसकी विवाह की उम्र भी हो गई है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज से बन जाए तो आपकी पुत्री का भाग्य ही बदल जाएगा और वह बड़ी सुखी रहेगी। इस तरह की बातें सुनकर पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर की ओर चल देते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो ज्योतिषी उन्हें देखकर बड़े आदर सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले जाता है और एक चटाई बिछाकर दोनों उसी पर बैठ जाते हैं। फिर ज्योतिषी पंडित जी से पूछते हैं, आपके आने का कारण क्या है? तो पंडित जी अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताते हुए कहते हैं, हमारी एक बेटी है जो बहुत ही सुंदर और रूपवती है, हम उसका विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तब यह सुनकर ज्योतिषी ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था वह अब बदल चुका है। फिर वे अपनी बेटे की शादी पंडित जी की पुत्री के साथ करने को तैयार हो जाते हैं और शादी की तारीख तय कर दी जाती है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी आ जाता है जब पंडित जी की बेटी का विवाह ज्योतिषी ब्राह्मण के बेटे के साथ होना था। फिर ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर पंडित जी के गांव की ओर चल देता है और सोचता है, मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। लेकिन दोस्तों, उसे यह नहीं पता था कि विधाता का लिखा तो स्वयं विधाता ही बदल सकते हैं। जो लिखा गया है वह अटल और अमर है, जैसा जिसके भाग्य में लिखा गया है वैसा ही होकर रहता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। संयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर उस ज्योतिषी ब्राह्मण के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही थी जिसे ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। मछुआरे की कन्या का ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है और वह कन्या ज्योतिषी के घर आ जाती है। दोस्तों, ज्योतिषी ब्राह्मण इस बात से प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से ज्योतिषी ब्राह्मण के पुत्र को अयोध्या में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस दिन ज्योतिषी महाराज अपने ग्रंथ के अध्ययन में लगे हुए थे, तभी उनकी बहू ज्योतिषी के लिए चाय लेकर उनके पास आती है।
जिससे बहू को आते देख ज्योतिषी अपना ग्रंथ बंद कर लेते हैं और बहू के हाथों से चाय का गिलास लेकर आराम से चाय पीने लगते हैं। दोस्तों, फिर ज्योतिषी के बहू के मन में अपना भाग्य देखने की उत्साह होती है और कहती है, हे पिताजी, आप सबका भाग्य देखते हो, आज मेरा भी भाग्य देख लो और मुझे बता दो कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र। तब ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपनी बहू का भाग्य देखने लगे, जिससे अपनी बहू का भाग्य देख करके तो उसे पसीने छूटने लगे। उसने देखा, यह तो वही मछुआरे की बेटी है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था, फिर यह मेरे घर में मेरी बहू बन करके कैसे आ गई। फिर ज्योतिषी अपनी बहू से कहने लगा, हे पुत्री, तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना। तो वह कन्या कहने लगी, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े ही निष्ठुर थे, उन्होंने मुझे 9 माह की अवस्था में गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब उस ज्योतिषी ने इस बात की पुष्टि की कि यह वही मछुआरे की बेटी है, तो उससे निजात पाने के लिए उसने एक युक्ति और निकाली और दोस्तों फिर कहने लगा कि बेटी, अगर तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के तट पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और उसकी बहू समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए उसने समुद्र में फेंक दिया और कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए और जिस दिन तुम इस अंगूठी को ढूंढ लोगी, उसी दिन तुम अपने घर पर आ सकती हो। यदि तुम्हें अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अपने पिता के घर चली गई तो तुम अपने पिता को खो दोगी, इसलिए अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुमको ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी और यदि तुम मेरे वचनों को मानती हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मायावती से ऐसा कहकर और उसको वहीं समुद्र के किनारे छोड़कर वह ज्योतिषी अपने घर वापस लौट आता है। मायावती काफी प्रयास करती है लेकिन अंगूठी नहीं मिलती। दोस्तों, जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल देती है, क्योंकि वह ना अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर, क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि अगर वह अपने पिता के घर गई तो पिता को खो देगी और अगर अपने पति के घर आई तो अपने पति को खो देगी। इस तरह से चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने उसे एक राजपुताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस सुनसान जंगल में तुम कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतना सुनकर वह मायावती कहने लगी कि दादी जी, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तब उस राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह कहने लगा, बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब मायावती ने उसके मुंह से इन बातों को सुना तो मायावती उनके साथ जाने के लिए बड़ी खुशी के साथ तैयार हो गई। इस तरह से सुंदरी को अपने साथ में महल में ले गए। फिर उस राजपूत परिवार ने अपने घर में उसको खाना बनाने के लिए रख लिया। उस परिवार का जो मुखिया था उस ज्योतिषी ब्राह्मण का बड़ा ही परम मित्र था। और उधर जब ज्योतिषी का बेटा वापस घर आया और उसने अपनी पत्नी मायावती के बारे में पूछने लगा, तो वह कपटी ज्योतिष उन्होंने झूठ मोठ की कहानी उनको बता दिया कि वह गंगा स्नान करने के लिए चली गई थी और वही डूब करके वह मर गई। जब उसके बेटे ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मेरा तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी से अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा
जिससे ज्योतिषी उस पंडित से कहा कि हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे जरूर, इसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण को अभी भी डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले। दोस्तों, फिर पंडित इस शर्त के लिए तैयार हो गया और अब वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए कन्या को देखने के लिए उसी पंडित के गांव की तरफ चल दिया। दोस्तों, उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया था। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल डाला और वही मछली उस जाल में फंस गई जो अंगूठी निगल गई थी। फिर मछुआरा उस पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। दोस्तों, परिवार के मुखिया को मछली खाना बड़ा पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर के उसने मायावती से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए इन मछलियों को पका दोगी? तो मायावती ने कहा कि पिताजी, मैं मछलियों को खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। और इस प्रकार से वह मछलियाँ लेकर के रसोई में काटने लगी। फिर जब उस मायावती ने एक मछली को काटा तो उसके पेट से निकल करके जमीन पर एक अंगूठी गिर गई जो अंगूठी ज्योति ब्राह्मण ने समुद्र में फेंक दिया था। जब मायावती ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और उस अंगूठी को पाकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। दोस्तों, उधर वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर के पंडित के गांव में पहुंचा तो अपने बेटे से कहा, बेटा इस गांव में हमारे एक परम मित्र रहते हैं, हम पहले उनके पास चलते हैं, इसके बाद हम उस घर में चलेंगे जहाँ तुम्हारी दूसरी सदी करवानी है। दोस्तों, फिर क्या होता है, वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने बेटे के साथ में उस राजपूत परिवार के घर में पहुंच जाता है। तब राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने घर के अंदर ले गया। फिर उसने मायावती को आवाज दी कि बेटी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आए हैं, जरा इनके लिए भोजन पानी की कोई व्यवस्था करो। तब मायावती ने जब पानी लेकर के आई तो उस ज्योतिष ब्राह्मण को देखा, जिससे ज्योतिष ने अपनी बहू मायावती को देखा। और जब ज्योतिष के बेटे ने मायावती को देखा तो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मायावती मर गई है, मेरी पत्नी अभी जिंदा है और मेरी पत्नी इसी समय आपके सामने खड़ी हुई है, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी दूसरी कन्या के साथ करने को कह रहे हैं। दोस्तों, फिर ज्योतिषी ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के बड़े प्रयास किए और मैं बड़ा नीच कर्म कर बैठा। फिर उसने पूरी करतूत सभी के सामने सुना दी और कहने लगा कि मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर बहुत ही घमंड हो गया था, इसी कारण से मैं विधाता के लिखे हुए भाग्य को मिटाने के लिए चला था। मैंने लाख कोशिश की, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वही हुआ जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वह होकर के ही रहता है। दोस्तों, आपको यह पता चल गया होगा कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता है। ब्रह्मांड में सिर्फ वही होता है जो ईश्वर चाहता है, जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा और बुरा होता है, वह सब विधाता द्वारा पहले से ही लिखा हुआ होता है। और भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है। विधाता ने यदि आपके जीवन में सुख लिख दिया है तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता, और यदि उसने आपके जीवन में दुख लिखा है तो आपका चाहे जितना भी करीबी कोई हो आपके दुख को बांट नहीं सकता है। दोस्तों, इसलिए भाग्य के भरोसे बैठना भी नहीं चाहिए। मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य होता है कि कर्म करना, उसे हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इस तरह से उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने लाख प्रयास किया लेकिन अपने पुत्र के भाग्य को वह नहीं बदल सका, क्योंकि जो विधाता जिसके भाग्य में जैसा लिखता है वैसा होकर के ही रहता है।
तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, और यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।